नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के दहिसर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना। उद्धव गुट के नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या। फेसबुक लाइव के दौरान अभिषेक पर चलाई गई कई राउंड गोलियां। अभिषेक पर फायरिंग के बाद आरोपी ने खुद को भी मारी 4 गोलियां। घटना में अभिषेक घोसालकर और आरोपी मोरिस की मौत। अभिषेक घोसालकर का पार्थिव शरीर बोरीवली स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोग। अभिषेक घोसालकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आगे की जांच जारी। शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में यूपीटी सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से की इस्तीफा देने की मांग। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उठाए सवाल। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जो हालात है वो सीधे तौर पर अराजकता की ओर कर रहे हैं इशारा। पिछली सरकारों में ऐसी स्थिति नहीं देखी गयी कभी। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में प्री प्राइमरी से 4 तक की कक्षाएं 9 बजे के बाद शुरू करने के दिया आदेश। पुणे में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अजित पवार ने आज नए टर्मिनल का किया निरीक्षण। नए टर्मिनल का क्षेत्रफल 60,000 वर्ग फुट है। वहीं 34 चेकिंग काउंटर बनाए गए हैं। मुंबई में मीठी नदी की बाढ़ रोकने के लिए बनेगा 28 फ्लड गेट। कुर्ला माहिम से लेकर मरीन ड्राइव तक के लोगों को मिलेगा फायदा। मुंबई के करीब 18 किलोमीटर में बहते हुए अरब सागर में मिलती है मीठी नदी। हर साल मीठी नदी बनती है मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ का कारण। 2 साल पहले बीएमसी ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मीठी नदी पर 28 फ्लड गेट बनाने का किया था निर्णय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर मुंबई को खूबसूरत बनाने में जुटी है बीएमसी। मुंबई के 20 फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर पर 2000 गमलों में बीएमसी लगाएगी रंग बिरंगी फूल। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मुंबई को चकाचक और सुंदर बनाने पर है विशेष जोर। मुंबई में विकास के नाम पर किया जा रहा हरियाली का सत्यानाश। पेड़ों की जड़ों में भरा जा रहा सीमेंट। पर्यावरण प्रेमियों ने बीएमसी और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के बीच हो रहा है पेड़ों का विनाश। सड़कों को सीमेंटेड करते समय ठेकेदार सीमेंट से पार दे रहे पेड़ों की जड़। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के काम ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र के हिस्से में बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति को साझा करते हुए कहा कि बीकेसी में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम है चुनौतियों से भरा। समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम तेजी से बढ़ रहा है आगे। मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।